I found the hardest, toughest, most productive way is bands, training with bands. अब रॉकी ने बोल दिया तो आपको तो बताना ही होगा इनके यूजेस के बारे में। तो रेजिस्टेंस बैंड को यूज करते हो आप वो सारे एक्सरसाइज कर सकते हो जो आप डंबल्स के साथ करते हो, बट आपको उन रेजिस्टेंस बैंड को नीचे आपके लेग्स पे एंकर कर लेना होगा। उसी के साथ आप वो सारे एक्सरसाइज भी कर सकते हो जो आप जिम में पुली के साथ करते हो, पर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बैंड को कोई तो रॉड पे अटैच करना होगा या फिर डोर एंकर को यूज करते हुए डोर के अराउंड अटैच करना होगा। रेजिस्टेंस बैंड से जब आप ट्रेन करते हो तब जो ओवरऑल जॉइंट स्ट्रेस होता है और सिस्टमिक फटीग होता है वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन विद द वेट्स, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड का खुद से कोई वेट नहीं होता है। इनको यूज करते हुए आप काफी सारे मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स परफॉर्म कर सकते हो, और साथ ही में अगर आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज को ज्यादा डिफिकल्ट करना है या फिर थोड़ा इजी करना है तो फिर भी आप उन्हें यूज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स हाईली पोर्टेबल, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो और कभी भी आपको आपका ट्रेनिंग मिस नहीं करना पड़ेगा, इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ द अर्थ।